किचन में मौजूद ये एक चीज़ आपके शरीर के लिए अमृत के समान है, लेकिन इसकी जानकारी ना होने के कारण हम इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं। और अगर आपने आज से ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए ये आपका करोड़ों का खर्चा बचाएगा। इसके अलावा आपके शरीर से बुढ़ापे को दूर रखेगा। कौन सी है ये चीज़, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर सभी के साथ में ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष वधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, आजकल हम सभी के घरों में क्या ट्रेंड चलता है कि हम लोग अपने घर में जो भी खाना बनाते हैं वो ज़्यादातर प्रेशर कुकर में बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप प्रेशर कुकर की जगह इसे एक चीज़ को खुला बनाते हैं और इससे निकलने वाला जो पानी है इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को अद्भुत लाभ देता है। हम बात कर रहे हैं चावल के बारे में। अगर चावल की मांड का इस्तेमाल आप करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत लाभ देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे प्रेशर कुकर में ना बना करके इसे किसी खुले बर्तन में बनाएं ताकि इसकी मांड के फ़ायदे आप ले सकें। सिर्फ पीने के लिए नहीं, लगाने के लिए भी और भी कई तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए डिटेल में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि चावल के पानी का इस्तेमाल आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप इसके को भिगोकर रख सकते हैं और इसके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आपने एक मुट्ठी चावल लेने हैं और उन्हें अच्छे से पानी से धुलकर साफ़ कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है पॉलिश किए हुए चावल ना हो। हमारे घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो चावल हैं वो हमारे यहाँ खुद खेती होती है, वहीं से आते हैं। लेकिन आप भी ये कोशिश करें कि आसपास के जो किसान हैं उन्हीं से खरीदें ताकि आपको प्योर चावल मिले। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं। अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं या फिर कोई भी राइस खाते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि चावल ऑर्गेनिक होना चाहिए, इस पर किसी तरह का पॉलिश किया हुआ ना हो। अच्छे से चावल को पानी से धुलकर साफ करें और उसके बाद किसी मिट्टी के बर्तन को लें। मिट्टी के बर्तन को लेने के बाद आपने क्या करना है, जितना चावल आपने लिया है इसका 5 गुना पानी आपने उस मिट्टी के बर्तन के अंदर डाल के इसको रात भर के लिए रख देना है। अगले दिन इसके अंदर आपने फिर से 2 कप पानी डालना है, यानी कि मिट्टी का जो बर्तन होगा वो कोरा होता है तो कई बार पानी सोख लेता है, तो 2 कप पानी आपने फिर से डाल देना है और इसे फिर से ढक करके रख देना है। इसे लगभग 24 घंटे के लिए ढककर रखे रहने दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस पानी को छानना है और छान कर पी लेना है। सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं या दिन में किसी भी समय आप इसको पी सकते हैं। ये आपको क्या फ़ायदा करेगा, ये आपके पेट के अल्सर को ठीक करेगा। मुंह में अगर छाले बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि कारण होता है पेट की गर्मी का, तो ये पेट की गर्मी को शांत करेगा। मुंह से बदबू अगर आपके आती है तो उस समस्या को दूर करेगा। ये पित्त को शांत करने का बेसिकली काम करेगा अगर आप इसे इस तरीके से भिगोकर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये एक टोनर के रूप में भी काम करेगा। अगर आप इसे किसी स्प्रे बोतल में भर करके अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये झुर्री और झाइयों की समस्या को दूर करता है, स्किन को टाइट करता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसे अपने बालों में भी लगा सकते हैं। अगर आप बाल धुल रहे हैं उससे 1 घंटा पहले इसे स्प्रे बोतल में भर करके या यूं भी हाथ में लेकर के थोड़ा थोड़ा अपनी बालों की जड़ों में लगाएं और उसके बाद 1-1.5 घंटा रखें और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर दें, या फिर सिर्फ चावल के पानी से भी अपने बालों को आप धुल सकते हैं। तो इससे आपके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और आपके शरीर को भी और आपके बालों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलते हैं। कंज्यूम करेंगे तो पित्त शांत करेगा। इसके अलावा जब आप इसे जो है लगाएंगे तो ये आपके चेहरे की जो रंगत है उसे निखारेगा और उसके अलावा आपके बालों की जो समस्या है उसको भी दूर करेगा। अब हम बात करेंगे चावल की मांड, जो बेसिकली हम घर में चावल बनाते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइबर अच्छा मिले, आपको जो है जो चावल की मांड होती है इसके पूरे बेनिफिट्स मिले, तो फिर आप खुला ही बनाएं। लेकिन इसको चावल की जो मांड आप बना रहे हैं इसे आप उसी के अंदर अब्सॉर्ब करा दें, यानी कि उतना ही पानी डालें ताकि चावल भी खिले खिले बने और मांड भी उसी में अब्सॉर्ब हो जाए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको चावल हल्का करना है, डाइजेशन हल्का करना है, या फिर वो लोग जो ये चाहते हैं कि वजन ना बढ़े चावल खाने से और किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि हमारे जो कार्ब्स हैं बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर ना जाएं, तो ऐसे में क्या करें, खुला बनाएं, दुगना पानी रखें इसमें और जो पानी है एक्स्ट्रा उसे निकाल कर अलग कर दें और उसके बाद चावल का इस्तेमाल करें। इससे चावल हल्का हो जाता है और आपको आसानी से पचता है। दूसरा, चावल में चाहें तो नारियल का जो गोला होता है सूखा उसको काट करके उसके पीसेस भी आप इसमें डाल सकते हैं चावल को बनाते समय। इससे आपके चावल भी खिले खिले बनेंगे। दूसरा, जो मांड बनेगा उसकी जो वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब हम बात करेंगे ये चावल की जो मांड बनी है इसको आप कैसे कैसे ले सकते हैं। पहला फायदा करती है, अगर आपको डायरिया की दिक्कत हो गई है तो ऐसे में इस मांड में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके बच्चे को दें या आप खुद पिए तो इससे डायरिया में बहुत लाभ मिलता है। यानी कि पेट में अगर किसी भी तरह की आपको दस्त की समस्या लग गई है तो ऐसे में एक या दो दिन या दिन में दो बार इस मांड का सेवन करने से आपकी ये समस्या दूर हो जाती है। उल्टी या उबकाई आई है, मन बहुत अनईजी सा फील कर रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए भी आपको कुछ चाहिए तो ऐसे में भी आप चावल की मांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है खाने का, भूख को शांत करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस चावल की मांड को पी करके आप अपने पेट को भर सकते हैं। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा है। इसके अलावा ये कब्ज को भी दूर करता है, लेकिन ये दो अलग अलग कंडीशंस में काम करता है। अगर आपको डायरिया है और सेंधा नमक के साथ लेंगे तो आपको ये डायरिया में लाभ करेगा। इसके अलावा अगर मीठा डाल करके आप इसको लेते हैं तो ये कब्ज की समस्या को दूर करता है। मीठे में आप इसमें शक्कर डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ा गुड़ डालकर भी आप इसको पी सकते हैं। अब बात करें किस समय ले सकते हैं, तो दोपहर के समय में चावल की मांड को पीना आपके शरीर को काफी लाभ देता है। इसके अलावा ये चावल की जो पकी हुई मांड होती है आप इसे किसी बर्तन में स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, या इसकी आइस क्यूब का जो ट्रे होता है ना ठंडा होने के बाद उसमें जमा करके उस क्यूब से अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं, आंखों के ऊपर की मसाज कर सकते हैं। इससे आंखों के काले घेरे कम होते हैं, चेहरे की झुर्री और झाइयों की जो समस्या है वो दूर होती है। इसके अलावा मुहासों की समस्या दूर होती है, चेहरे की रंगत निखरती है। अगर शरीर पर कहीं जल जाता है और उसके बाद वो निशान वहां पर रह गया है तो ऐसे में भी चावल की जो आपने मांड की वो क्यूब्स बनाई है उसे हल्के हाथ से मसाज करने से कुछ दिनों तक आपका जले हुए का निशान भी चला जाता है, आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर बहुत रूखे और ड्राई हैं तो ऐसे में भी चावल की जो पके हुए चावल की मांड होती है इससे आप अपने बालों में स्क्रब करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बालों को धुल सकते हैं, इससे काफी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा ये जो चावल की मांड होती है ये उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें लिकोरिया की दिक्कत रहती है या पीरियड टाइम से रिलेटेड मासिक धर्म से रिलेटेड समस्या रहती है, उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है या पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द रहता है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए इसका सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। ये उनकी थकान और कमजोरी को दूर करके लिकोरिया में भी आपको काफी लाभ देती है। इसका इस्तेमाल करने से आपका किडनी का इन्फेक्शन दूर होता है, यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें जलन होना, रुक रुक कर आना, इन समस्याओं में भी आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसे में चावल की मांड का ठंडा करके उसको दिन में तीन बार थोड़ा थोड़ा करके अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपकी यूरिन के इन्फेक्शन की जो दिक्कत है वो दूर हो जाती है। अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है या सर दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में भी चावल की मांड का सेवन करने से आपको काफी लाभ मिलते हैं, ये बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करती है। चावल की जो मांड होती है इसमें जो स्टार्च पाया जाता है ये स्टार्च ही या बेसिकली आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। अगर आपको एजिंग का प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो ऐसे में एंटी एजिंग की तरह ये काम करता है। अगर आप अपने चेहरे पर इसको लगाते हैं ठंडा होने के बाद और हल्के हल्के हाथ से मसाज करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर सादे पानी से अपने मुंह को धुलते हैं तो ये सन बर्न को भी रोकता है, यानी कि जो टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों के अंदर वो समस्या भी दूर करता है और स्किन को टाइट करने में भी आपको काफ़ी मदद करता है। तो चावल के मांड के पानी का इस्तेमाल इस तरीके से कीजिएगा, इसको फेंकिए बिल्कुल मत, बहुत काम की चीज़ है। इवन अगर आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसे ठंडा होने के बाद पेड़ों की जड़ों में डाल दें, उससे पेड़ों को भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।